आज मैं बना रही हूँ ड्रैगन चिकन। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे से स्ट्रिप में कट कर लिया है। इसके अंदर मैं सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली है ग्रीन कलर की। आपके पास में अगर येलो और रेड कलर की भी शिमला मिर्च है तो आप हाफ हाफ ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे से स्ट्रिप में कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पर मैंने लिया एक मिर्ची, मैंने हरी मिर्च ली थी, और मैंने थोड़े से मतलब टोटली मिलाकर अदरक लहसुन और मैंने ग्रीन चिली को चॉप कर लिया और मैंने 1 टेबल स्पून बना लिया। तो जैसे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया था और एक मिर्ची ली थी जिसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया, वो मिलाकर 1 टेबल स्पून हो गया अदरक लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ पर जाएगा 1 टेबल स्पून, इसके अंदर विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून, सोया सॉस जाएगा, रेड चिली सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, आधा अंडा जाएगा, एक अंडा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 250 ग्राम है तो एक अंडा नहीं जाएगा इसके अंदर। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है कैचअप, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून ही मैदा है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मैंने काजू लिए थे और उसको मैंने इस तरीके से बीच बीच में से कट कर लिया है, ये देखिए। और इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पर इसके अंदर जाएगा कश्मीरी ड्राई रेड चिली, 3 है। और इसके अंदर सॉल्ट एज पर योर टेस्ट रहेगा। अजीनो मोटो जाता है लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको डालना है तो आप अजीनो मोटो भी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, एक अंडा। तो यहाँ पर मैं बर्तन थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया, आधा अंडा डालेंगे इसमें, आधा अंडा हो गया, इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों डाल देंगे, विनेगर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून विनेगर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसके अंदर जाएगा सोया सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख सकते हो, बट मैं इसको नहीं रख रही हूँ, मैं इसको अभी फ्राई कर लूंगी। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अभी मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ चिकन को। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से जो चिकन है फ्राई हो जाएंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और ऐसे ही मैं सारे चिकन को फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, जो मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए। इसके साथ में ही इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी ड्राई रेड चिली, और इसके साथ में डाल देंगे ये काजू, और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च, इसको हम अच्छे से 30 सेकेंड तक भून लेंगे, मतलब कि फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये जो काली मिर्च मैंने बचा के रखी थी, काली मिर्च का पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर टमाटो, केचप भी इसमें डाल देंगे। वैसे इसमें शुगर भी जाता है, शुगर 1 टीस्पून अगर आपको डालना है तो आप 1 टीस्पून शुगर इसमें डाल सकते हो, बट मैं नहीं ऐड करूंगी, घर वाले नहीं पसंद करेंगे शुगर का फ्लेवर, इसीलिए इस रेसिपी में मैं नहीं ऐड करूंगी। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो ये रेसिपी में लगता है शुगर जाता है, तो अगर आप डालना चाहो तो शुगर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून, मैंने सोया सॉस लिया था 1 टेबलस्पून, मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस लिया था, और मैंने इसके अंदर लिया था विनेगर 1 टीस्पून, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे अभी 2 मिनट के लिए। टमाटो रेड फूड कलर डाला हुआ है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। वीडियो शूट नहीं हो पाई बट मैंने इसमें टमाटो रेड फूड कलर ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर हम ये जो फ्राई मैंने चिकन किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और सिर्फ 1 मिनट ही पकाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट पकाऊंगी इसको। ड्रैगन चिकन जो है बनकर तैयार है। मैंने ड्रैगन राइस की भी रेसिपी जो है
मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर किसी को जरूरत है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो ड्रैगन चिकन की रेसिपी है बनकर तैयार है, तो अभी मैं इसको सर्व कर लूंगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।